जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले का विरोध सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करने के बाद अपनी किरकिरी करवा चुका पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा। जब सभी देशों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कश्मीर पर फैसला भारत का आंतरिक मामला है, ऐसे में हताश पाकिस्तान अब दूसरे पैंतरे अपना रहा है। दरअसल लंदन में भारतीय उच्च आयोग की इमारत पर लगभग 10,000 ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। सैकड़ों लोग एक साथ सड़कों पर उतर गए और भारतीय उच्च आयोग पर हमला करने लगे। इस दौरान इमारत की खिड़कियां भी तोड़ी गई। भीड़ ने भारतीय उच्च आयोग की इमारत पर अंडे, टमाटर, जूते, पत्थर, गैस बम और बोतलें फेंकी और इसकी कई खिड़कियों को तोड़ दिया। साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी समर्थक प्रदर्शनकारियों के हाथों में POK के झंडे थे और वो आजादी के नारे लगा रहे थे। वैसे आपको बता दें कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बौखलाए पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला सभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया, लेकिन सभी जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। मालदीव में तो धुलाई हुई ही, उसके बाद पाकिस्तान ने दोबारा वही हरकत की। श्रीलंका के यूनिसेफ के कार्यक्रम में कश्मीर का राग अलापना शुरू किया और वहाँ भी भारतीय नेतृत्व से उसे करारा जवाब मिला। और अब जब पाकिस्तान की एक नहीं चल रही है, परमाणु बम की धमकी देने वाला यह पाकिस्तान अब अंडों से हमला कर रहा है। पाकिस्तान की सोची हरकत पर आप भी अपनी राय रखिए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।